प्रकृति ने अपने संपूर्ण सौंदर्य को समेटकर हिमालय की छांव तले शिल्प की एक सर्वोत्तम कृति का सृजन किया है। इस अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य प्रतिमा का नाम है हिमाचल। निश्चल खड़े ऊंचे पर्वतों से खेलते बादल और हरे भरे मैदान किसी जादुई दुनिया का आभास दिलाते हैं। प्रत्येक वसंत और ग्रीष्म ऋतु में इन पर्वतों पर रंगों का एक मेला सा लग जाता है, खासकर चाय के बागानों में। मध्यम एवं शीत जलवायु, अधिक वार्षिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी, हिमाचल की जलवायु की यही विशेषताएं चाय की खेती को आदर्श जलवायु प्रदान करती है। जिला कांगड़ा, मंडी और चंबा की 7 जिलों को जलवायु के आधार पर चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है। आज हिमाचल 1200 हेक्टेयर भूमि पर फैले चाय बागानों में से 17 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन प्रतिवर्ष कर रहा है। ये उत्पादन इसकी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। परंपरागत क्षेत्र में कुल भूमि 2312 हेक्टेयर में से 1096 हेक्टेयर भूमि उपेक्षित पड़ी है। गैर परंपरागत क्षेत्र की लगभग 7700 हेक्टेयर भूमि का तो प्रयोग ही नहीं हुआ है। ये भू संरक्षण के लिए भी चाय के ये बागान जो हैं बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि जितनी सॉयल कंजर्वेशन है इससे अधिक और भी कोई भी क्रॉप किसी भी कृषि क्षेत्र से इस प्रकार की नहीं प्राप्त हो सकती है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी हमें सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। और जितनी हमारी प्लांटेशंस अभी तक हैं तकरीबन 6000 लोग जो हैं इसके ऊपर निर्भर करते हैं। नर्सरी में ये अच्छी फलती फूलती है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु में उगाई जा सकने वाली चाय की किस्मों का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने एक विस्तृत अनुसंधान किया है। हिमाचल की चाय की 2 लोकप्रिय किस्में हैं, कांगड़ा लोकल और नन्ना देवी। विश्वविद्यालय ने 2 अन्य किस्में भी उन्नत की हैं। ये है कांगड़ा आशा और कांगड़ा ज्वाला। ये किस्में हिमाचल की चाय कृषि की कठिन परिस्थितियों के बावजूद अधिक उत्पादन दे सकती हैं। लगातार अधिक उत्पादन देने पर भी इनकी गुणवत्ता में कमी नहीं आती। अन्य किस्में जिनका सफल परीक्षण हिमाचल में किया गया है वे हैं TV1, TV8, TV9, TV23, तुगदा 253 और प्रू सरिंग 312। किसी भी किस्म को चुना जाए कृषि की सबसे पहली सीढ़ी है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी के लिए नवंबर से जनवरी तक का समय उपयुक्त होता है। चिकनी मिट्टी, रेत और गोबर को 3:1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब इस मिट्टी को पॉलिथीन की थैलियों में भरा जाता है। एक पॉलिथीन की थैली में 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक मिट्टी भरी जाती है। थैलियां अब बीज लगाने के लिए तैयार हैं। थैलियों में लगाने के लिए बीज पौधों से तब एकत्र करने चाहिए जब फल का छिलका फटने लगे और बीज हल्के भूरे रंग का हो जाए। एकत्र किए गए बीजों को पानी में डालकर केवल डूबे हुए बीज ही उपयोगी समझने चाहिए। उपयोगी बीजों को थैलियों में लगाने से पहले उन्हें अंकुरित करना आवश्यक है। अंकुरण के लिए बीजों को दिसंबर से जनवरी तक नमी युक्त रेत में दबा दिया जाता है।
नमी बने रहे इसके लिए इस पर घास बिछाकर सिंचाई कर दी जाती है। बीज अंकुरित हो जाने पर इन्हें थैलियों में लगा दिया जाता है, इन पर भी घास बिछाकर सिंचाई कर दी जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए सबसे नीचे की सख्त लकड़ी व सबसे ऊपर नई उगी कोमल शाखा को काटकर फेंक दिया जाता है। बीज की शाखाओं की अर्ध सख्त लकड़ी से कलमे तैयार कर दी जाती है। इन्हें पॉलीथिन के लिफाफों में लगा दिया जाता है। पौधों को बागानों तक पहुंचने योग्य होने में लगभग 1.5 से 2 वर्ष का समय लग जाता है। ये पौधे नए बागानों में भी लगाए जा सकते हैं और पुराने बागानों का जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। भूमि में पौधे लगाने से कम 2 वर्ष पहले ही फलीदार फसल जैसे ढेंचा, अरहर, पटसन, क्रोटेलेरिया आदि लगाकर परिपक्व होने से पहले काटकर भूमि के ऊपर ही बिछा देना चाहिए। ये गल सड़कर भूमि में ही मिल जाते हैं और भूमि को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन देते हैं। दो साल बाद विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करके नियोजित बगीचों का खाका तैयार किया जाता है। इसके लिए वर्गाकार, आयताकार या दोहरी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। 90x90 सेंटीमीटर की वर्गाकार प्रणाली में पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर होती है। इसमें 12,346 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। इसी तरह 90x60 सेंटीमीटर की आयताकार प्रणाली में पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसमें 18,518 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। 60x60x120 सेंटीमीटर की दोहरी प्रणाली में दो दो पंक्तियों में जोड़े बनाए जाते हैं। प्रत्येक जोड़े में पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं जोड़े से जोड़े की दूरी 120 सेंटीमीटर होती है। इसमें 18,518 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रणालियों में अलग अलग दूरियों का प्रयोग करके पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कम या अधिक की जा सकती है। पौधे लगाने से ढांचा बनाने तक चाय के पौधों के उचित विकास के लिए खाद के मिश्रण का प्रयोग पौधों की आयु के अनुसार किया जाता है। खाद को पौधे के तने से 6 इंच दूर से लेकर बाहरी फैलाव तक बिखेर देना चाहिए। बढ़ते हुए पौधे की संरचना पर ध्यान देना भी जरूरी है, इसलिए इनकी काट छांट की जाती है। पौधे की टहनियां अधिक और मजबूत होंगी तो ये अधिक पत्ते उत्पादित करने के योग्य होंगी और मौसम के थपेड़ों को सह पाएंगी।
विभिन्न प्रकार की कटाई भी रखरखाव का ही एक हिस्सा है। जब पौधों को कलम किए हुए 15-20 वर्ष से अधिक हो चुके हों या पौधे रोगी, कीटग्रस्त या बिगड़ चुके हों, तब जड़ कलम या डेंथर विधि अपनाई जाती है। सर्द ऋतु में भूमि सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कलम करनी चाहिए। कलम के बाद भूमि में करीबन 10 सेंटीमीटर तक खुदाई करके भूमि को फिर से समतल कर देना चाहिए। डेंथर विधि को अपनाने के बाद शाखाएं 3-4 वर्ष तक ठीक मोटाई प्राप्त नहीं कर पाती और लगातार तुड़ाई से कमजोर हो जाती हैं। तब इन पौधों की कलम के लिए गाभी कलम विधि अपनाई जाती है। चारों ओर फैली हुई 15-20 ठीक मोटाई वाली शाखाओं को रखकर बाकी सभी प्रकार की शाखाओं को 35 सेंटीमीटर पर काट दिया जाता है। शाखा पर कटाई निशान मध्य से बाहर की ओर दिखाई दे। गाभी कलम करने के पश्चात चाय के पौधे को 4 वर्षीय कलम चक्र में डाल दिया जाता है। प्रत्येक 3 या 4 वर्ष बाद ऊपरी या हल्की कलम की जाती है। 4-5 बार काटने से पौधों की शाखाओं पर गांठें बन जाती हैं, जिस कारण खुराक व नमी संचालन में कठिनाई होने लगती है। ऐसी स्थिति में फिर से डेंथर या जड़ कलम अनिवार्य हो जाती है। हर वर्ष तुड़ाई के अंत में किसी न किसी प्रकार की मुच्छाई का काम आवश्यक होता है। पौधे की ऊपरी सतह समतल बनाने के लिए समतलीय मुच्छाई की जाती है। बार बार तुड़ाई होने के कारण सतह पर शाखाएं कौवे के पंजे की भांति दिखाई देने लगती हैं। इन्हें मध्य स्तरीय मुछाई देकर निकाल दें। मध्य स्तरीय मुछाई का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि इससे पहले चाय के पौधे पर किस प्रकार की कलम या मुछाई की गई। जिन पौधों में ये मुछाई की जाती है उनमें पिछली कलम और उस वर्ष के आरंभिक तुड़ाई स्तर के मध्य से ऊपर सभी प्रकार की शाखाओं को काट दिया जाता है। हिमाचल का लगभग 47% चाय बागान उपेक्षित अवस्था में पड़ा है। कृषि विश्वविद्यालय ने इसके सुधार के लिए जिस तकनीक का अनुमोदन किया है उससे इन बागानों के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। चाय बागान के जीर्णोद्धार के लिए एक 5 वर्षीय योजना की सिफारिश की गई है। अप्रैल से अगस्त तक 7 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार पत्ती की तुड़ाई करनी चाहिए। सितंबर में पत्ती की तुड़ाई बंद कर देनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ों में शर्करा संग्रहित हो सके। नवंबर से जनवरी तक डेंथर विधि का प्रयोग करके कलम करना चाहिए। इसके पश्चात फरवरी मार्च में गहरी खुदाई करके घास की जड़ों को निकाल दें। अगस्त से अक्टूबर तक नई उगी शाखाओं को 55 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तोड़ें। नवंबर दिसंबर में पौध सतह को समतल करें। सुधार की यह प्रक्रिया 5 वर्ष तक दोहराई जानी चाहिए, जब तक कि पौधे सुधार की आदर्श स्थिति को प्राप्त ना कर लें। हिमाचल के अधिकतर पुराने चाय बागानों में पौधे अधिक फासले पर लगाए जाने के कारण पौधों की संख्या कम है। ऐसे क्षेत्रों में सुधार के लिए जरूरी है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हो
और पौधों की संख्या और उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन पौधों की देखरेख विशेष तौर पर करनी पड़ती है। हिमाचल में पत्तों की तुड़ाई अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार चलती है, लेकिन इस विशेष क्रम पर ध्यान देना जरूरी है। चाय बगीचों में छाया के उचित प्रबंध के लिए कुछ पेड़ लगाने की सिफारिश की गई है। ओई, जैकरांडा, शीशम, सिल्वर ओक, आमला, रीठा, इससे वातावरण ठंडा रहने के साथ साथ भूमि में भी नमी बनी रहती है और सूर्य की किरणें चाय के पत्तों पर दुष्प्रभाव भी नहीं डाल सकती। वृक्षों के पत्ते जमीन पर गिरकर खाद का काम देते हैं। इनसे फल, इमारती लकड़ी, व्यावसायिक लकड़ी और ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। सामान्य तौर पर चाय के पौधों में कुछ फफूंद से होने वाले रोग लग जाते हैं जो पत्तियों को खराब कर देते हैं। वर्षा ऋतु में ब्लिस्टर ब्लाइट नाम का एक रोग चाय की ताजा पत्तियों पर सफेद फफोलों के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी तरह भूरा झुलसा रोग में पत्तों पर चॉकलेटी रंग के एवं सलेटी झुलसा रोग में हल्के भूरे सलेटी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिन्हें सही रखरखाव से दूर किया जा सकता है। सूटी मोल्ड रोग को चाय के पत्तों पर जमी कालिख से पहचाना जा सकता है। कुछ चाय के पौधों में पत्तों टहनियों पर खुरदुरे लाल पीले धब्बे वाला एक रोग हो जाता है, जिसे रेड रस्ट कहते हैं। नीला थोथा, चूना और पानी 4:4:50 के अनुपात में मिलाकर छिड़काव करके और अच्छी रख रखाव से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। एक प्रकार का फफूंद मिट्टी में फैलकर जड़ों को सड़ा देता है, पौधे मुरझाने या सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मुरझाई एवं सूखी झाड़ियों को जड़ सहित उखाड़कर पानी की निकासी अच्छी तरह से करनी चाहिए। रोगों के अलावा चाय बागान को कुछ कीट भी हानि पहुंचा सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक वर्षा के महीनों में पत्ता मोड़ कीट चाय के पत्तों को मोड़ देता है। एफिड और लीग माइनर भी चाय के पत्तों को प्रभावित करता है। इनका उपचार भी उसी तरह से किया जा सकता है जैसे मिलीबग का किया जाता है। परिपक्व, स्वस्थ और अधिक उत्पादन वाले ये पौधे चाय की सफल कृषि की शान है। एक स्वस्थ पौधा ही अच्छी पत्ती दे सकता है। पत्तों की तुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल इसकी नई अंकुरित पत्तियां ही तोड़ी जाएं। तुड़ाई के समय सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए कॉलेज ऑफ होम साइंस के वैज्ञानिकों ने कुछ तकनीकों का अनुमोदन किया है। चाय पत्ती तोड़ते समय इनकी उंगलियों में बहुत कट्स लगते थे, उससे छुटकारा दिलाने के लिए हमने 11 तरह के ब्लेड्स बनाए, क्योंकि हर महिला अपने तरीके से पत्ती तोड़ती हैं, जिसमें हमने ये एक थैला बनाया है जिसको के महिलाएं कमर के साथ बांधकर पत्ती को आसानी से उसी में ही रखकर फिर जब समय लगे तो उसको टोकरी में डाल सकते हैं। इससे समय की बचत है, ताकत की भी बचत है और ज़्यादा पत्ती टूट जाती है। ये एक मोटे कपड़े से घेरेदार स्कर्ट बना के इनको पहनाने के लिए कहा गया है, जो इनको बहुत सुविधाजनक और आसान लगी है। अगर वो गम शूज़ पहनती हैं तो उनके पैरों में बचत होती है, कोई ज़ख्म नहीं होता।
और सांपों के काटने से भी बचत रहती है। हमने ये एक किल्टा बनाया है जिसमें छाता इसके बीच में ही लगा दिया गया है। जब छाता की ज़रूरत हो, बारिश के समय या धूप के समय, महिलाएं इस छाते को खोल करके दोनों हाथों से फ्री हो करके पत्ती अपनी तोड़ सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्रमाणित किया जा चुका है कि चाय के पौधों की कोई उम्र नहीं होती। सही रखरखाव में ये पौधे सैकड़ों सालों तक अपना स्वाद, सुगंध और उत्पादक क्षमता खोए बिना चाय की पत्तियों का उत्पादन कर सकते हैं। चाय पत्ती के उत्पादन के पश्चात उसके भंडारण, वर्गीकरण और रखरखाव में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। ढेर बनाकर रखने की बजाय पत्तों को हल्की तहों में फैलाकर रखना चाहिए। परिवहन के समय भी खुली गाड़ियों में ले जाना चाहिए। चाय पत्ती के कारखाने में पत्ती के नमूनों की जांच करके कुल पत्तियों में उपयोगी पत्ती का प्रतिशत जांचा जाता है। इस प्रतिशतता के आधार पर ही किसान मूल्य पाता है। चाय की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है वो चाय बागान से ही आगे तैयार की जा सकती है। जितनी अच्छी पत्ती होगी उतनी बढ़िया किस्म की चाय बनेगी, और उससे जो फार्मर्स या प्लांटर्स, चाय उत्पादक हैं, उनको भी इस चीज़ का बहुत ही लाभ है कि जितनी बढ़िया किस्म की सप्लाई, आपूर्ति जो है वो फैक्ट्रीज को करेंगे, उतनी ही उसकी आय में वृद्धि होगी। बागानों से मिली चाय को तीन किस्मों में बांटा जाता है, ऑर्थोडॉक्स या पत्तेदार, CTC या दानेदार और हरी चाय। पत्तेदार और दानेदार चाय मशीनीकरण बनावट से पहले नमी कम करने की प्रक्रिया से गुजरती है। पत्ती में नमी कम करके उसमें लचीलापन लाया जाता है ताकि मशीनीकरण क्रिया में पत्ती टूटकर चूरा न हो जाए। आकार विघटन प्रक्रिया में पत्ती के कोष्ठों में विद्यमान रासायनिक पदार्थ तरल रूप में पत्तों की सतह पर फैल जाते हैं, जो वायु के संपर्क में आकर कई प्रकार के यौगिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और चाय में रंग, स्वाद और चमक पैदा करते हैं। ऑक्सीजन क्रिया में ऑक्सीकरण के लिए पत्तों को सही तापमान और आर्द्रता प्रदान की जाती है। ऑक्सीकरण द्वारा पत्ती के रासायनिक पदार्थ के लगातार परिवर्तित होने की क्रिया को रोकने व नियंत्रित करने के लिए उसे सुखाया जाता है। चाय बनाने के लिए अच्छी पत्ती का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अच्छी पत्ती होगी तो चाय अच्छी बनेगी। और इसमें यह भी जरूरी है कि चाय अच्छी, पत्ती अच्छी हो, बनाने वाला अच्छा ना हो तो भी चाय अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं कि पत्ती का होना, अच्छी पत्ती का होना भी जरूरी है और चाय बनाने के लिए अनुभव का होना भी जरूरी है। हरी चाय के लिए भी प्रक्रिया मिलती जुलती है। सिर्फ ऑक्सीजन क्रिया की जगह इसमें भाप गुजारने की विधि अपनाई जाती है। चाय तैयार होने के बाद प्रयोगशाला में उसकी गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाता है। सफलता बाधाओं के रूप में आती है। जितनी बड़ी बाधा होगी उतनी ही बड़ी होगी सफलता।
हिमाचल की चाय कृषि में भी उन्नति के अवसर भरपूर हैं और साथ ही बाधाएं भी। चाय कृषि की कुछ समस्याएं इसके विकास की गति को धीमा कर रही हैं, जैसे बागानों का छोटा होना, श्रमिकों का कम होना, प्रबंधन में कमी, चाय बनाने की विधि में कमी और आर्थिक संकट। लेकिन जहां समस्याएं होती हैं वहां समाधान भी होते हैं। कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल की चाय कृषि को इन समस्याओं से उबारने का प्रयास कर रहा है। कांगड़ा में चाय का उत्पादन बहुत पहले से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। उसमें पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक तौर तरीके भी आए हैं जिसकी वजह से इसका उत्पादन बढ़ा है। इसमें बहुत सी समस्याएं आई हैं और सबसे बड़ी समस्या है उचित दामों की। विश्व खाद्य संगठन, जिसे आप FAO कहते हैं, उसके सहयोग से विश्वविद्यालय ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका फोकस होगा ऑर्गेनिक टी कल्टीवेशन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, और हैंडमेड टी और मार्केटिंग के लिए। इस चाय में जो इसकी खासियत है वो है इसकी सुगंध, ना कि इसका रंग। उसके लिए बिना दूध और बिना चीनी के ये चाय दवाई के तौर पर कैसे काम करेगी। मेरा ख्याल इन बातों पर जब हम फोकस करेंगे तो ये चाय अपना खोया हुआ स्थान पा सकती है चाय के मार्केट में। चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। हिमाचल की चाय कृषि के राह की बाधाएं धीरे धीरे हटा रहा है। विश्वविद्यालय के भरपूर योगदान के फलस्वरूप इस महकती हरियाली का बढ़ता फैलाव इंगित कर रहा है कि हिमाचल की चाय कृषि और कृषक दोनों का भविष्य उज्जवल है।